हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ अच्छता की रसोई में। आज मैं आपके लिए गर्मियों की सबकी फेवरेट बादाम कुल्फी लेके आई हूँ, जो कि घर में बनाना बहुत ही आसान है। आप घर में ही जो थोड़ी बहुत सामग्रियाँ होती हैं उन्हीं से आप बना सकते हो। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं माधुरी जी, उन्होंने फरमाइश की थी कि मैम आप डिमांड की थी कि मैम आप कुल्फी बनाना सिखाइए कैसे बनाते हैं। माधुरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल को पसंद कर रही हैं, उसको अप्रिशिएट कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। जितने मेरे व्यूवर्स हैं, जितने मेरे चाहने वाले हैं, सबके लिए सबसे बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इसी तरह मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। चलिए अब हम बनाते हैं कुल्फी। ठीक गाइस, देखिए मैंने ये कम दूध में, अभी आपको मैं बताऊंगी कि कैसे बनेगी। मैंने फुल क्रीम का दूध लिया हुआ है जिसको गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको देखिए थोड़ा सा मैं धीमी आंच पे इसको पकाऊँ, थोड़ा सा इसका मैं रिड्यूस करूंगी। और सामग्री देखिए इसमें, ये गाइस ब्रेड क्रम्स है। ये आप दूध में, दूध को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, फिर आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना पड़ेगा इससे। ये है, सभी के घर में रहती है ब्रेड, आजकल फटाफट बन जाएंगे इससे। और चिरौंजी गाइस, थोड़ा सा ये मावा थोड़ा ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो आपका ये ब्रेड क्रम्स से ही काम हो जाएगा। थोड़ी सी कुटी हुई इलायची, चीनी, और ये मैंने गाइस थोड़े से इसमें बादाम और काजू को कूट लिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और मतलब हर बाइट में काजू बादाम का भी स्वाद आता है। मैंने कुछ डेकोरेशन के लिए नट्स खड़े रखे हुए हैं। चलिए अब हम बनाते हैं। दूध को थोड़ा सा हम वो कर लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे अच्छे से। अभी हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे, चीनी, शक्कर जब घुल जाएगी या साथ ही में हम चीजों को ऐड करते जाएंगे। पहले हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा। ब्रेड क्रम्स नहीं है गाइस तो आप ऐसा करिएगा, जल्दी थिकी होने के लिए दूध को ज्यादा जलाना नहीं पड़ेगा। आप इसमें सूजी, रवा, आप इसमें थोड़ा सा ऐसे पैन में आप रोस्ट कर लीजिए बिना ऑयल के, हल्का सा, मात्र 1-2 मिनट के लिए लाइट फ्लेम पे। और उसमें कम से कम 4-5 चम्मच सूजी लेके बस भून लीजिए और उसको इसमें ऐड कर दीजिए। उससे भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा, जल्दी कुल्फी गाढ़ी हो जाती है। अब इसमें हमने जो मेवे लिए थे, नट्स लिए थे कूटे हुए, वो डाल देंगे। थोड़ी सी चिरौंजी, ये जो मावा था गाइस, मावा वो हम डाल देंगे। है तो डालिए, ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इलायची भी इसी समय डाल देंगे।
देखिए ऐसे लग रहा है इसमें जैसे खूब ढेर सारे नट्स पड़े हैं। आप कम चीजों में इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए मेरे पास कुछ केसर पड़ा हुआ है, हम ये भी ऐड कर देंगे। अगर है आपके पास तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। दो कम से कम 6-7 धागे हम केसर के इसमें ऐड कर देंगे। गर्म दूध है तो अपने आप ही ये कलर देने लग जाएगा। अभी देखिए पेन थिकी हो गई है, बहुत बढ़िया इसका कलर आया है। केसर डालिए, केसर हो तो आप डालिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हो। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे ला के ठंडा करके तब फिर मोल्ड में भरेंगे। मोल्ड आजकल आप मेरे पास तो ये वाले अवेलेबल हैं, तो मैं इसी में बनाऊंगी कुल्फी को। इसमें थोड़ा सा अंदर घी का लगा के तब आसानी से निकल आती है। और उसको मैं कवर कर दूंगी एल्युमिनियम फाइल से, जिससे बर्फ मतलब पानी जैसा न जमे, दूध का ही फ्लेवर रहेगा। देखिए फिर ये ठंडा हो गया है, अब इसको इसी में सब में भर लेंगे। एल्युमिनियम फाइल हो या बटर पेपर हो तो उससे इसको पैक कर देंगे। पैक करने से इसमें बर्फ नहीं जमेगी, आसानी से इसे और थोड़ा सा इसमें हम चप्पू की सहायता से कर देंगे छेद, जिससे वो जम जाएगा। इसी तरह सारे मोल्ड भर लेंगे। इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए गाइस हम रख देंगे और देखिए फ्रेंड्स इसको हम इस तरह एल्युमिनियम फाइल लगा कर 1 घंटे के लिए फ्रीजर में लगा देंगे तो ये जम जाएगी, आपकी कुल्फी तैयार हो जाएगी। इसी तरह आप बटर पेपर लगा दीजिएगा, एल्युमिनियम फाइल नहीं है तो उससे भी अच्छे से हो जाएगा। चलिए अब हम इसको फ्रीज में रख देते हैं 1 घंटे के लिए। देखिए फ्रेंड्स ये कुल्फी बन के रेडी हो गई है। ये देखिए इस तरह आप लगा देंगे तो बहुत ही अच्छी, इसमें बर्फ नहीं जमी है। तो ये देखिए कितनी सुंदर बन गई है। आप घर पे इसे ज़रूर बनाइए और टेस्ट करिए और बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि आप कुल्फी आपको कैसी लगी। गाइस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करिए, शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, बाय।